अभी हम लोग गांव गवई इलाका में जा करके ग्रामीणों को हम ये बताने के लिए आ रहे हैं कि गांव के लोगों को जब योग सिखाने जाते हैं तो उन लोगों को लगता है कि ये हमको क्या ज़रूरत है। बोलते हैं कि हम तो खेती करते हैं, मजदूरी करते हैं, हल चलाते हैं, गाय दूहते हैं, भैंस दूहते हैं, पूरा माने मेहनत का काम करते हैं, हमको क्या ज़रूरत है। उन्हीं लोगों को योग ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे आप साइकिल रखे हुए हैं और साइकिल को दिन भर पेरिएगा, दिन भर चलाइएगा, एगो साइकिल है कि अपना समय से चलाया और पोछ पाछ के रख दिया, तो सर्विसिंग के लिए कौन साइकिल ज़्यादा दुकान पर जाएगा? जो दिन भर चलेगा नहीं, बेहिसाब से चलेगा। वही हाल हम लोगों का है। दिन भर काम करते हैं, दिन भर मजदूरी करते हैं, दिन भर अलग अलग तरीके का मेहनत का काम होता है, तो हमें अंदरूनी जो हमारे अंग हैं उसकी सर्विसिंग की ज़्यादा हमें ज़रूरत है और हम ही लोग इसको नहीं समझ पाते हैं। इसलिए आज डॉक्टर के यहाँ जाएंगे, आज डॉक्टर के यहाँ जाएंगे तो 99% गरीब आदमी मिलेगा आपको, 99% गांव के लोग मिलेंगे, 99% मजदूरी और किसानी का काम करने वाले मिलेंगे। इसलिए मिलेंगे कि वह व्यक्ति अपने शरीर पर ध्यान नहीं देता है, कब उठना चाहिए, कब सोना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, कैसे उठने सोने की ज़रूरत है। वो व्यक्ति बेहिसाब से जीवन जी रहा है तो वह व्यक्ति बीमार होगा कि निरोग रहेगा? बीमार पड़ेगा। और दिन भर कमाइएगा हार तोड़ करके 200 रुपया, 500 रुपया, सांझ को खुशी खुशी निकलिएगा पैसा लेकर के कि चल आज 4 किलो दाल ले, 2 किलो आटा ले, 1 किलो चावल ले, सब्जी ले, बाल बच्चन के तनी कुछ चॉकलेट ले। जैसा ही रुआ निकलब, आधा दूर आए, घरे से फोन आई, कहाँ बनी जी, तो क्या बात बा, अरे 1 घंटा से गैस चढ़ल बतने से दवाई ले ना, अब बबुआ के देखें वहाँ के तनी मन गोड़ दुखाता, अब लेगी रुआ पैसा कमैनी कि साग सब्जी बाल बच्चा परिवार के अन्न ले। आई जब फोन आ गई कि गैस माथा पर चढ़ल बा, बुझाता कि प्राण निकल जाए, जल्दी आई होने से कुछ टेम्पू कह के आई। अब रुआ बताई 200 रुपये टेम्पू वाला लाद के डॉक्टर के यहाँ गई, नहीं तो 300 रुपये फीस पैसा खत्म, फिर कर्जा लेनी 500 से भैया जांच फाँच के दवाई के। यानी जवन दशा हमनी के पहले रहे वो कमैला के बाद वही दशा बा, ऐसे कि हमनी के बीमारी में पैसा ज़्यादा खत्म होता कि नहीं के हो। ऐसे एक पैसा भी यदि आदमी के बीमारी में पैसा ना खर्चा हो, वो आदमी के स्तर, वो आदमी के लेवल धीरे धीरे बढ़िया होके लगे। ऐसे रुआ सबे कि अभी हम अनुलोम विलोम के अभ्यास सिखाए। बेटा चल बैठ के ला, अभी अनुलोम विलोम करे से का फायदा हो ये पहले हम रुआ के बता देते हैं। जेकरा गांव में हाई ब्लड प्रेशर के बीमारी होके, बहुत लोग बीपी के बीमारी मिली रुआ, 15 दिन आज बीपी नपवा ली, जेकरा बीपी होके बीपी मशीन से कह के नाप के कापी पर लिख लो कितना भय, आ 5 दिन खाली ऐजा उनका के ले आई हमारा भी, आ उनका के 15 दिन घरे करवा दें, 15वां दिन बीपी नापब, 100% बीपी नॉर्मल हो जाए बिना दवाई के। ना तो बीपी एक बार जरा हो जाता, अंग्रेजी डॉक्टर कहता है कि भाई ले जा जिंदगी भर गोली खाई हो, होता कि नहीं कहो, शुगर जरा हो जाता कहता है कि जिंदगी भर खा, थायराइड हो जाता जिंदगी भर गोली खा, हार्ट के बीमारी हो गई जिंदगी भर दवाई खा। कैसे अभी रुआ सब एक हम बतावे जा रहा बानी ब्लड प्रेशर कैसे ठीक हो जाए, जेकरा अनिद्रा नींद नहीं खियावत रात में, तारा गिनता भोर हो जाता, दिन में भकवाई चलता, जेकरा तनाव बा, क्रोध बा, टेंशन बा, लड़ाई झगड़ा करता, चिड़चिड़ाई रहता दिन भर, जेकरा कैंसर बा, जेकरा लकवा होके के संभावना बा, मिर्गी जेकरा बा गाँव में, मिर्गी जल्दी ना ठीक होके, जेकरा फरका के बीमारी बा, नहीं जेकर दिमाग सही काम नहीं के करत, ओकरा खातिर अनुलोम विलोम का अभ्यास राम बाण औषधि बा। तो भाई सीधे बैठे, बायां हाथ के अपना ठेहुना पर रखी, बवारा ठेहुना पर, दहिना हाथ उठाए जौना से खाना खाई ला जा, हाथ में कै गो उंगली बा, 5 गो बा, 5ों के नाम अलग अलग बा, अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका और कनिष्ठ, 5 उंगली है। शरीर भी हमारा 5 तत्वों से बना है, सुने ना निर्गुण गाते हैं कि 5 तत्वों से बना शरीर एक दिन 5 तत्वों में विलीन हो जाता है, जब हम या तो मिट्टी में गाड़ दें या हम लोग उसे चिता पे ले जा करके जला दें, किसी भी स्थिति में सड़ करके, गल करके, जल करके ये 5 तत्वों से बना शरीर कहाँ मिल जाता है, उसी में मिल जाता है, मिट्टी मिट्टी में, अग्नि अग्नि में, वायु वायु में, आकाश तत्व आकाश तत्व में चला जाता है। तो आज 5 तत्वों को रिप्रेजेंट करने के लिए 5 उंगलियाँ हमारे हाथों में हैं। जैसे कैसे वार्ड वार्ड हो ना गांव में वार्ड जीतल मरण, तो पूरे गांव के
वार्ड कमिश्नर जे बा रिप्रेजेंट करता, मुखिया बा पूरे पंचायत के प्रतिनिधि बा, पूरे जितना विधानसभा क्षेत्र बा एगो जाके विधायक करता, सांसद करता, वैसे ही हर तत्व के एक गो अंगली बनावल बा ओकरा के रिप्रेजेंट करे खातिर। हकर बोले अग्नि, पकड़ी थोड़ा, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल। अब अग्नि तत्व और वायु तत्व को मिलाएंगे बाएं हाथ में इस प्रकार, तो ये ध्यान मुद्रा बन गया। कौन सा मुद्रा हो गया? तो बायां हाथ को रख लीजिए घुटना पर ध्यान मुद्रा में, और दाहिना हाथ को खड़ा कर लीजिए। कर बैठा तो धीरे धीरे बैठ जाओ। अब ये जो हमारा दाहिना हाथ है, अब अंगूठा को सीधा रखेंगे, तर्जनी को मोड़ लेंगे इस प्रकार से रिंग अंगूठी की तरह, और इसको मुंह की तरफ घुमा लीजिए ऐसे। अब ये अंगूठा को दाहिने नाक पे रखेंगे धीरे धीरे, और बाएं नाक से धीरे धीरे सांस भरेंगे। दाहिना हाथ करो बेटा, दाहिना हाथ लगाओ, उल्टा कर रहे तो। अरे दाहिना वे वाला है ना, तुम नहीं बोल बेटा, तुम देखो पहले। हाँ, दाहिना अंगूठा दाहिने नाक पर, बाएं नाक से धीरे धीरे सांस भरिए। सांस भर जाए तो ये बीच की दो उंगली से बंद करिए बाएं नाक, फिर दाहिना अंगूठा हटाकर दाहिने नाक से सांस को छोड़िए धीरे धीरे, फिर दाहिने से भरिए, फिर दाहिना बंद करिए और बाएं से धीरे धीरे छोड़िए। जिसे छोड़ना है उसी से भर लेना, फिर बाएं से भरिए। घुमाओ ना बेटा, घुमाओ घुमाओ, ठीक आ रहे हैं, ठीक आ रहे हैं। बाएं से लीजिए, दाहिना से छोड़िए, फिर दाहिना से लीजिए और बाएं से छोड़ दीजिए। जिनका पार्किंसन हो जाता है, हाथ दिखता है, शरीर दिखता है, उसके लिए तो यह दवाई है। पूरा आंख बंद कर लीजिए सभी लोग, और 5 मिनट का अभ्यास चलेगा ये। 5 मिनट में ही हम इसको सीखने का प्रयास करेंगे। बाएं नासिका को चंद्र स्वर कहते हैं, दाहिने को सूर्य स्वर कहते हैं। बाएं नासिका को इड़ा कहते हैं, दाहिने को पिंगला कहते हैं। यानी इड़ा और पिंगला के माध्यम से जब श्वास प्रश्वास की क्रिया को निरंतर करते हैं तो मेरुदंड में, रीढ़ की हड्डी में एक सुषुम्ना नाड़ी होती है जो बहुत बारीक होती है। उसमें जब प्राणवायु प्रवेश करता है तो हमारे अंदर अष्ट चक्रों का जागरण होता है। धीरे धीरे अभ्यास करिए। हमारे शरीर के अंदर में 72,72,10,201 नस नाड़ी है, और ये नस नाड़ी को शुद्ध करता है। ये नाड़ी शोधन क्रिया भी कहते हैं इसको। क्या कर रहे हो? अपने काम करो ना। करिए अपना, आप करिए ना, अनुलोम विलोम करिए। जब बीमार पड़िएगा तो कोई देखने वाला खाली मिलेगा, पैसा देने वाला कम मिलेगा। पैसा देगा भी तो सूद पर देगा, बोलेगा कि दूसरा के 10 रुपए दिला, बाकी तारा के 8 रुपए दे। अब जिंदगी में कर्जा भरी, इसलिए अपने शरीर की रक्षा करने के लिए आप निरंतर प्रयत्न करिए। राउंड बेटा घूमे धीरे धीरे, सही आ रहा है, ठीक है ना, दिक्कत नहीं होगा। सीधे बैठिए, अब हाथ को नीचे कर लीजिए, मैंने कर दिया। मैं आपको एक बात बताने के लिए आया हूँ कि जो व्यक्ति अपने शरीर का रखवाली नहीं कर सकता है, जो व्यक्ति अपने शरीर का नहीं हुआ, यानी जो व्यक्ति अपना नहीं हुआ, वो दूसरों का भला हो सकता है कभी? बिल्कुल नहीं होगा, नहीं होगा। ना पति का होगा, ना पत्नी, ना बाल बच्चा का, धोखा दे रहा है। यानी जो व्यक्ति प्रातः वेला में अपने शरीर के लिए 1 घंटा समय नहीं निकाल सकता है, वो दूसरों के लिए जिंदगी में कभी भला नहीं कर सकता। ये कान खोल करके सुनिएगा और याद रखिएगा जिंदगी भर। यानी जो व्यक्ति अपना नहीं हुआ, वो दूसरों का भला क्या होगा? इसलिए सुबह उठ करके अपने शरीर की रखवाली, अपने शरीर की रक्षा के लिए शरीर रूपी मंदिर को
को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं, इसके लिए योग करना है। क्या करना है? योग करना है, प्राणायाम करना है और आसन करना है। बस एक घंटा दिन रात मिला के कितना घंटा है? 24 घंटा। 24 घंटा में अपने शरीर के लिए कितना देना है? एक घंटा देना है। 6 घंटा सोना है, ठीक, 6-7 घंटा हो गया, और 1-2 घंटा अपने परिवार के लिए निकाल लीजिए, बाल बच्चा के लिए निकाल लीजिए, और बाकी समय आप जितना काम करना चाहे कर्म योग करिए। काम करने में कोई आलस मत रखिए, कभी आप ना आलस के शिकार होंगे, ना कभी आप गरीबी के शिकार होंगे, ना कभी आप व्याभिचारी के शिकार होंगे। समाज में आज देख रहे हैं बलात्कार, व्याभिचार, भ्रष्टाचार फैल रहा है, छोटी छोटी बच्चियों के साथ लोग बलात्कार कर रहे हैं, 2 महीना 3 महीना 1 साल 2 साल। अभी पूरे देश में एक बलात्कार का दौर चल रहा है, चारों तरफ एक इस तरह के षड्यंत्रकारी सोच के लोग समाज में हैं। हमारी बेटियां ट्यूशन जा रही हैं, हमारी बेटियां घर से निकली टिफिन लेकर के, बक्सा लेकर के और बोतल लेकर के, और यहां से वहां गई, और वहां रास्ते में किसी ने पकड़ करके अपहरण कर लिया, उसको बलात्कार करके, उसके ऊपर एसिड फेंक करके, गला काट करके मौत के घाट उतार रहा है। सोचिए ये क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि हमारा सोच गड़बड़ हो गया है, हमारा खान पान गड़बड़ हो गया, हमारे विचार खराब हो चुके हैं। अभी मैंने कल देखा कि एक भाई दिल्ली में, कल का न्यूज है, एक भाई अपने बहन के साथ बलात्कार किया है, देखे ना आप, फेसबुक पर भी आया है, इतने बाप अपने बेटी के साथ कर रहा है, ससुर अपने बहू के साथ भोग कर रहा है, बलात्कार कर रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है आखिर? ये चारों तरफ ये वेश्यावृत्ति घर घर में, गांव गांव में देखने को मिल रहा है आपको। इसलिए हो रहा है, ये आदमी का विचार खराब है। कपड़ा पहना है साधु संत का, वो भी बलात्कार में लिप्त है, आए दिन देख रहे पेपर में, टीवी में डेली, इसलिए कि बाहर से दिखने में लग रहा है साधु संत लग रहा है, अच्छा लग, बाप दिखने में लग रहा है, भाई लग रहा है, लेकिन अंदर में उसका राक्षस घूम रहा है, अंदर में उसका बलात्कारी जीव घूम रहा है। इसीलिए कभी भी मौका पाते ही उसके व्यभिचार उसके सामने हो जाते हैं। इसलिए क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि शादी विवाह में, शादी विवाह में, तिलक में, गृह प्रवेश में हम लोग नाच बाजा करते हैं, करते हैं कि नहीं करते हैं? और नाच बाजा जब करते हैं तो उसमें नाच वाला कोई बढ़िया काम सिखाता है रात में? बोलिए, एक भी शब्द ऐसा बता दीजिए जो गांव के सुधारने के लिए कोई शब्द बोलता हो नाच वाला? नहीं बोलता। एक ही साथ में 5 पीढ़ियां बर्बाद, बाप भी बैठा है शामियाना में, बेटा भी बैठा है, बेटी भी बैठी है, इसके बाद उसके दामाद भी बैठा है, नाती पोती भी बैठी है, गांव वाले भी बैठे हैं, चाचा ससुर सब बैठा है, और शामियाना के अगल बगल उस गांव की सभी माँ बेटियां भी बैठ के उसको रात भर देख रही है। वो तो व्यभिचार सिखा रहा है, तो बलात्कार बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बोलिए, इसलिए ऐसे कुकर्मों से, ऐसे चीज़ों से हमें अवॉइड करना है, हमें अपने आप को रोकना है। यदि आपको ऐसा लगे तो हम आपके बारात में आकर के फ्री में योग सिखा देंगे, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटे का। तो इससे समाज बदलेगा कि बिगड़ेगा? बनेगा। ऐसा बनाने का प्रयास नहीं कर रहे, खाली बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। और जब माथा पे पड़ रहा है तो माथा धर के रो रहे हैं कि आई हो दादा, देखो ना हमारे बेटी के अपहरण हो गई, बलात्कार हो गई, व्यभिचार हो गई, क्यों हो गया? इसलिए कि हम लोग समाज को बदलने के लिए कोई कदम नहीं उठा रहे हैं। तो आइए हम लोग अनुलोम विलोम का थोड़ा अभ्यास और करेंगे। दाहिना अंगूठा दाहिने नाक पर रखिए, सभी सीधे बैठेंगे, ध्यान मुद्रा रहेगा, पोजीशन सही रहेगा। जैसे सैनिक हमारा पोजीशन में रहता है वर्दी पहन के पूरा राइफल, ऐसे उसी प्रकार योग में हम मुद्रा में रहेंगे, अपना पोजीशन में रहेंगे, सीधा बाएं नाक से सांस भरना, फिर बाएं को बंद करके दाहिने से छोड़ना, फिर दाहिने से भर करके बाएं से छोड़ना, बहुत लंबा लंबा सांस भरिए, और सांस भरने से नस नाड़ी के अंदर जो भी विकार हैं, ये देखिए मुख्य बीमारी का हम नाम ले रहे हैं, अभ्यास करिए और सुनते रहिएगा, केवल सुनिएगा तो फायदा नहीं होगा, अभ्यास करिएगा तभी फायदा होगा अनुलोम विलोम का। करीब कर होगा, थोड़ा सा नया काम है, थोड़ा अटपटा लग रहा होगा आप लोग, कहाँ आकर के फंस गए, क्या क्या हो रही है? जिसको दिमाग नहीं काम करता है, जो बच्चा को पढ़ने में नहीं मन लग रहा है, वो यदि ऐसा अनुलोम विलोम करे तो पढ़ाई में मन लगेगा, नंबर ज्यादा आएगा, कारण कि याद ज्यादा होगा,
कंसंट्रेशन पावर बढ़ जाता है, एकाग्रता बढ़ जाती है। ठीक है, हाँ, बंद कर दो।